बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ही अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन फिल्मी करियर के अलावा धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। यह तो सब जानते हैं कि उनकी दो शादियां हुई हैं। धर्मेंद्र पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर और चार बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी रचाई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन प्रकाश कौर ने अपने पति की दूसरी शादी को हो जाने के बाद उनका साथ नहीं छोड़ा था। दरअसल धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी पर लोगों ने उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी, यहाँ तक कि धर्मेंद्र को वुमनाइजर भी कहा गया था, लेकिन प्रकाश कौर ने तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा था और उनके बचाव में खड़ी रही। एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश ने कहा था कि सिर्फ मेरे पति ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष मेरी जगह हेमा को चुनना चाहेगा। इंडस्ट्री में कई लोगों के दूसरे अफेयर हैं, वो दूसरी शादी भी कर रहे हैं, तो मेरे पति को ही क्यों वुमनाइजर कहा गया। धर्मेंद्र ने पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से की थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हैं, बॉबी देओल, सनी देओल, अजेता और विजेता। अजेता और विजेता भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं। दोनों ने विदेश में घर बसा लिया है। प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और अपने बेटे बॉबी और सनी के साथ रहती हैं। बताते कि धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के दौरान हुई थी। हेमा इतनी खूबसूरत थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद उनके दीवाने हो गए। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और दूसरी शादी करना उनके धर्म के विरुद्ध था। हेमा से दिल लगाने के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश से अलग होना चाहते थे। हिंदू होने के बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए अपना नाम दिलावर खान रख दिया और प्रकाश को तलाक दिए बिना 1979 में हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश ने हेमा मालिनी के लिए कहा था कि मैं समझ सकती हूं कि वो किस दौर से गुजर रही होंगी, उन्हें भी अपने परिवार और रिश्तेदारों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन यदि मैं उनके जगह होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक औरत के तौर पर मैं उनकी भावना समझ सकती हूँ, लेकिन एक माँ और पत्नी के तौर पर मैं उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती हूँ। तो क्या कहना है आपका हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और इस प्रकाश कौर के रिश्ते के बारे में? कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।